नॉर्थ कोरिया की इंटेलिजेंस सर्विस ने सितंबर 2016 में अमेरिकी और साउथ कोरियाई प्लान के डाटा का एक बड़ा हिस्सा चोरी कर लिया था। इन डाटा से ये पता चलता है कि अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलकर नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन को मारने और तख्ता पलट करने का प्लान बनाया था, लेकिन इस पर नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने पानी फेर दिया। हाल ही में नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने साउथ कोरिया अमेरिका के ज्वाइंट प्लान की डाटा लीक कर फिर से खलबली मचा दी है। ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर कैसे अमेरिका साउथ कोरिया के प्लान को एक झटके में फेल कर दिया। दरअसल एक साल पहले नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने अमेरिका साउथ कोरिया के मिलिट्री प्लान से जुड़े जो 235 गीगाबाइट्स डॉक्यूमेंट्स चुराए थे, वो एक ह्यूमन एरर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ कोरियाई मिलिट्री के लिए जिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, वो एक्सेस नॉर्थ कोरियाई हैकर्स ने साउथ कोरिया की कंपनी से प्राप्त कर लिया। अब साउथ कोरियाई मिलिट्री के कंप्यूटर्स में जो कुछ भी होता है, वो सारी डाटा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से नॉर्थ कोरियाई हैकर्स को मिल जाता है। वैसे आमतौर पर मिलिट्री डाटाबेस सुरक्षित ही होता है, लेकिन कई बार डाटा सेंटर पर काम कर रहे जब कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी केबल को मिलिट्री इंटरनेट को दूसरे इंटरनेट से जोड़ता है, तो इससे नॉर्थ कोरिया के हैकर्स संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने में सफल हो जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने 2014 में सोनी पिक्चर्स पर हमला बोल दिया था, जिन्होंने किम जोंग उनकी हत्या पर एक कॉमेडी फिल्म द इंटरव्यू बनाई थी। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल्स का जखीरा बढ़ाने के साथ साथ इंटरनेट और साइबर की दुनिया में भी सभी को चौंकाने वाला काम किया है। नॉर्थ कोरिया जैसे देश ने इंटरनेट को एक ऐसे महत्वपूर्ण टूल के रूप में उपयोग किया है, यही कारण है कि वो दुनिया का सातवां साइबर पावर देश बन गया है। टीम इंडिलिंक्स।